Hey, what's up guys, Anuj here and welcome to the DSA-One Course. आज की वीडियो के अंदर हम binary tree के अंदर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, which is called print left view and अगेन अगला क्वेश्चन राइट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री. तो आप लोगों को एक बाइनरी ट्री दे रखा है, उसके अंदर हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं, लेफ्ट व्यू प्रिंट करो और राइट व्यू प्रिंट करो. इससे पहले हमने देखा था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, यहां पर हम प्रिंट करने वाले हैं लेफ्ट व्यू एंड राइट व्यू. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को करने मजा आएगा, ठीक है. बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, लेफ्ट व्यू क्या होगा, लेफ्ट व्यू तब होगा जब आप किसी भी ट्री को लेफ्ट साइड से देख रहे हो, ठीक है. अगर आप लोगों को इस ट्री को लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो आप लोगों को जो जो नोड दिख रही हैं उनको आप ऊपर से लेकर नीचे तक प्रिंट कर दो. तो लेफ्ट व्यू क्या होगा, मैंने लेफ्ट साइड से देखा इस ट्री को, तो सबसे पहले मुझे मिला 4 नोड, उसके बाद मुझे मिलेगा 3 नोड, उसके बाद मुझे मिलेगा 2 नोड, उसके बाद मुझे मिलेगा 6 नोड. बाकी सारे इससे छुप गए, देख रहे हो 5 छुप चुका है 3 से, 1 भी छुप चुका है 2 से और 7 छुप चुका है 6 से. तो इसलिए हमें सिर्फ लेफ्ट साइड से जो दिख रहे हैं वो मिला है. तो ये आपका है लेफ्ट व्यू. अगर आप लोगों को देखना है राइट व्यू तो राइट व्यू के लिए कुछ नहीं करना, राइट साइड से देखो इस ट्री को, राइट साइड से देखोगे ट्री को और जो भी आप लोगों को नोड दिख रही है उनको आप प्रिंट करते चलो ऊपर से लेकर नीचे तक. तो ये लेफ्ट व्यू था, राइट व्यू देखते हैं क्या होता है. तो पहले मिलेगा हमें 4, उसके बाद हमें मिलेगा 5, देन हमें मिलेगा 1, देन हमें मिलेगा 7. तो ये आपका लेफ्ट व्यू है, ये आपका राइट व्यू है, ये आप लोगों को प्रिंट करना है. इन दोनों के लिए भी जरा बना देता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने इन दोनों ट्री के लिए भी लेफ्ट और राइट व्यू लिख दिया. तो ये आपका लेफ्ट व्यू इस ट्री के लिए होगा 4316 और राइट व्यू होगा इसका लिए 4275. इसके लिए लेफ्ट व्यू होगा 624751 और राइट व्यू होगा 624753, ठीक है. तो ये आप लोगों को प्रिंट करना है, जरा सोचो किस तरीके से आप लोग इसे प्रिंट कर सकते हो. रिकर्सिवली ही सोचना है, बाइनरी ट्री के अंदर रिकर्सिवली ही सोच रहे होंगे हम ज़्यादातर. तो यहाँ पर भी आप लोगों को रिकर्सिवली ही सोचना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन, या फिर पिछला जो क्वेश्चन किया था क्यू से जिसमें हम लोग लेवल बाय लेवल चल रहे थे, क्या उससे आप कर सकते हो इसे, सोचो. एक तरीका हो सकता है कि आप लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करो, और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना हमें ऑलरेडी आता है. लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर जो भी पहली नोड होगी किसी भी लेवल पे वो आप लोगों की लेफ्ट मोस्ट नोड होगी, और अगर आप लोगों को राइट मोस्ट राइट व्यू प्रिंट करना है तो किसी भी लेवल में जो राइट मोस्ट नोड होगी वो आप लोगों की उस लेवल की राइट व्यू होगी, ठीक है. बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसके लिए देखोगे इस वाले ट्री के लिए तो आप लोगों का क्या बनता है लेवल और ट्रैवर्सल, तो इसके लिए बनता है आप लोगों का 4, 3, 5, 2, 1 एंड 6, 7. तो जो भी पहली नोड है हर लेवल के अंदर वो लेफ्ट व्यू बना रही है बेसिकली, 4, 3, 2, 6 ये तो प्रिंट करना है 4, 3, 2, 6. और जो लास्ट नोड होगी वो बेसिकली लास्ट बना रही होगी किसी भी लेवल के लिए, तो क्या होगा 4, 5, 1, 7 वो इसका राइट व्यू होगा बेसिकली 4, 5, 1, 7. तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो. आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा किस तरीके से आप लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से यहाँ पर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो एक हैश मैप बना सकते हो ऑफ नोड एंड देन एरे लिस्ट, ठीक है. तो उसकी हेल्प से भी आप लोग इसे कर सकते हो. आप लोगों को फर्स्ट नोड पता चलेगी, आप लोगों को लास्ट नोड भी पता चल सकती है, और उस तरीके से आप लोगों के लेफ्ट व्यू और राइट व्यू प्रिंट हो जाएंगे. लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, हमें हर एक लेवल के अंदर सारी नोड को ट्रैवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ लेफ्ट मोस्ट नोड चाहिए. तो बाकी बची हुई नोड से तो हमें काम ही नहीं है. इसके लिए हम यूज़ कर रहे होंगे एक हैश मैप का, ठीक है. हैश मैप का यूज़ करने वाले हैं, देखते हैं कैसे काम करेगा. एक हैश मैप बनाएंगे जिसके अंदर जो की होगी वो होगी लेवल, तो 0, 1, 2, 3 ये आप लोगों की कीज रहने वाली हैं. उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हम यहाँ पर फिल कर रहे होंगे. या तो आप लोग ऐसे करके हैश मैप बना लो, ठीक है, या फिर आप लोग चाहो तो एक एरे बना सकते हो जिसके अंदर ये होंगे आपके इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3. एरे बना सकते हो, हैश मैप बना सकते हो, बात एक ही रहने वाली है, बिग ऑफ एन ही, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी दोनों के इसके अंदर, है ना. तो आप लोग करना क्या है, बेसिकली आप लोगों को ट्रैवर्स करना है, यहाँ से रूट से ट्रैवल करना स्टार्ट करना है. ये हमारी रूट है और इसके अंदर लेवल कौन सा है, अभी फिलहाल लेवल 0 है, राइट, ये लेवल 0 है. तो लेवल 0 पे देखो क्या कुछ प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये एरे है, इसके अंदर भी कुछ प्रेजेंट नहीं है फिलहाल. आप चाहो तो शुरुआत में इसे -1 से फिल कर सकते हो, और आप देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पर कुछ प्रेजेंट नहीं है. तो उस केस के अंदर आप लोग यहाँ पर इस नोड को डाल दोगे, और आप लोग बोल दोगे ठीक है, जो मुझे पहले नोड मिली है किसी भी लेवल के अंदर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते टाइम, वही नोड होगी उसकी लेफ्ट मोस्ट व्यू, ठीक है. उसके बाद आप लोग इसके लेफ्ट पे आओगे, लेफ्ट है इसका 7, और 7 के लिए आप लोग एक लेवल बढ़ा दोगे, ठीक है. लेवल अब आपका एक इंक्रीज हो जाएगा, पहले लेवल 0 था, अब लेवल 1 हो जाएगा. लेवल 1 हो चुका है, और यहाँ पर नंबर 1 लेवल के लिए कोई नोड है, तो नंबर 1 लेवल पर कोई अभी तक नोड नहीं है, तो ये वाली नोड ही पहली नोड है, तो यही रहने वाली है 7, ठीक है. उसके बाद लेफ्ट और राइट पर कुछ भी नहीं है, नल है, वापस चले जाओगे यहाँ पे आओगे. उसके बाद राइट में जाओगे तो अगेन 0 से 1 हो जाएगा लेवल, एक इंक्रीज हो जाएगा. लेवल 1 पे क्या ऑलरेडी कोई नोड प्रेजेंट है, हाँ लेवल 1 पे ऑलरेडी एक नोड प्रेजेंट है. तो अगर नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको आप रिप्लेस नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि यही इसका लेफ्ट मोस्ट व्यू रहने वाला है. उसके बाद आप इसके लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में जाओगे अगेन एक लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लेवल हो जाएगा 2. तो आप चेक करोगे 2 लेवल पर कोई नोड थी पहले, तो 2 लेवल के लिए कोई भी नोड नहीं है, तो आप 2 लेवल पर इस 2 नोड को डाल दोगे. उसके बाद आप इसके लेफ्ट के लिए कॉल कर दोगे तो यहाँ पर जाएगा लेवल 3, और आप 3 के लिए चेक करोगे 3 के लिए कोई भी नोड प्रेजेंट है, 3 के लिए कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए ये वाली नोड आप यहाँ पर डाल दोगे. उसके बाद आप यहाँ से वापस जाओगे और इसके लिए अगेन लेवल हो जाएगा 3. आप चेक करोगे 3 के लिए कोई प्रेजेंट है, तो हाँ 3 के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है 5, तो आप लोग इसे अपडेट नहीं करोगे,
देन आप इसके लेफ्ट पे जाओगे तो इसका लेफ्ट है ये वाली नोड और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3 से 4। क्या देखोगे 4 के लिए प्रेजेंट है कोई, तो 4 के लिए भी कोई प्रेजेंट नहीं है, तो 4 के लिए हो जाएगा 3 और फिर लेफ्ट और राइट दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग का ये 47253 ये जो एरे होगा ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो 47253 तो इस तरीके से आप लोगों का दिख रहा है एक एरे का यूज करके या फिर एक हैश मैप का यूज करके बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हो जाएगा आपका लेफ्ट व्यू के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का लेफ्ट व्यू प्रिंट हो रहा होगा। राइट व्यू किस तरीके से प्रिंट हो रहा होगा तो जरा लेफ्ट व्यू वाले को समझो, मैं इसका कोड करता हूँ। उसका राइट व्यू वाला भी इसी तरीके से होने वाला है, बहुत थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं बस। यहाँ पर मैंने सेम चीज कोड कर दिया, बहुत ही सिंपल सा कोड है। यहाँ पर दो फंक्शन बनाने पड़े हैं। पहला फंक्शन था आपका नॉर्मल फंक्शन जिसको आप लोगों ने कॉल किया होगा। इस फंक्शन का काम है लेफ्ट व्यू प्रिंट करना, लेकिन इसका एक और फंक्शन बनाना पड़ा लेफ्ट व्यू यूटिल करके, जो कि ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा होगा और मेन रिकर्शन का लॉजिक इस वाले फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ये वाला फंक्शन काम है बेसिकली सारे पैरामीटर्स पास करने का। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन ने पहले एक लिस्ट बनाया, एरे लिस्ट बनाया, जिस लिस्ट के अंदर हम सारे एलिमेंट्स डाल रहे होंगे। उसके बाद इसने कॉल कर दिया ये वाला फंक्शन और उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ ये वाले फंक्शन ने अपने लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट डाल दिए होंगे लेफ्ट व्यू के हिसाब से, और उसके बाद इसने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया यहाँ पर उस लिस्ट के अंदर के। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो ये वाला फंक्शन लेता है रूट, उसके बाद ये फंक्शन लेता है एक एरे लिस्ट ऑफ नोड, उसके बाद ये लेता है लेवल। ठीक है, और ये करता क्या है, अगर रूट नल है, मतलब अगर आप लोगों ने नल एलिमेंट पास कर दिया है, रूट ही नल है, तो उसका मतलब यहीं से रिटर्न कर जाओ, कुछ भी प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर रूट नल नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, लिस्ट डॉट गेट लेवल, अगर ये वाला लेवल नल है, मतलब इस एरे के अंदर इस लेवल पे कोई एलिमेंट अभी तक डाला ही नहीं गया है, ओनली इन दैट केस आप लोग इस एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट को डालो। मैं क्या कहना चाहता हूं, लेवल फिलहाल होगा 0। ठीक है, करंटली आपका लेवल है 0, तो आप निकालोगे लिस्ट डॉट गेट 0, तो 0 अभी फिलहाल नल होगा। ठीक है, 0 पे कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, तो हाँ 0 पे कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो लिस्ट के अंदर आप एड कर दोगे रूट को। तो रूट अभी हमारी ये नोड है 4 वाली, तो हमने 4 को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया लेवल प्लस 1 करके, और राइट के लिए कॉल कर दिया लेवल प्लस 1 करके। बाकी सारा काम अपना रिकर्शन संभाल लेगा। ठीक है, रिकर्शन अपना काम करता चलेगा और आपका ये जो एरे होगा ऐसे फिल हो जाएगा कि यहाँ पर आपका फिल होगा 7, उसके बाद यहाँ आपका फिल होगा 2, यहाँ फिल होगा आपका 5, और यहाँ आपका फिल होगा 3। इस तरीके से फिल हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों का ये एरे लिस्ट बन चुकी है और फिर इस एरे लिस्ट को आप लोग यहाँ पे प्रिंट कर दोगे और ये आपका लेफ्ट व्यू रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम कर रहा है। हमने लॉजिक इसका ऑलरेडी देख लिया ड्राई रन करके, तो ये कोड ऐसे काम करने वाला है। अब जरा समझते हैं कि राइट व्यू अगर प्रिंट करना होता तो हमें इस कोड के अंदर क्या चेंजेस करने होते हैं। वेल, अगर आप लोगों को राइट व्यू प्रिंट करना है तो आप लोगों को प्रिंट करना है 46213, राइट। आप लोगों को 5 और 7 हाइड करना है उस केस में। तो उस केस में आपके पास दो तरीके हैं करने के, या तो ये भी हमने क्या किया है, ये हमने एक इस तरीके से कॉल किया प्री ऑर्डर। ठीक है, पहले आप लेफ्ट जा रहे हो फिर राइट जा रहे हो, राइट लेफ्ट जा रहे हो फिर राइट जा रहे हो। अगर आप लोग रिवर्स प्री ऑर्डर कर दो, मतलब पहले राइट जाओ फिर लेफ्ट जाओ, तो आप लोग इसी कोड को लिख सकते हो। बस आप लोग इन दोनों को ऊपर नीचे कर दो कि पहले राइट जाओ फिर लेफ्ट जाओ, तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो भी आप लोग काम हो जाएगा। या फिर दूसरा चेंज आप कर सकते हो कि आप लोग चलो तो प्री ऑर्डर के हिसाब से ही, बस आप लोग ये वाली कंडीशन हटा दो, ये इफ कंडीशन हटा दो यहां से। ये इफ कंडीशन हटा दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, और ये लिस्ट डॉट एड रूट नहीं होगा, बेसिकली लिस्ट डॉट सेट एट लेवल होगा, कि लिस्ट डॉट सेट एट लेवल दिस नोड रूट। तो बेसिकली आप यहां पर एलिमेंट्स को अपडेट करते चल रहे हो। ठीक है, हो क्या रहा है, मैं जरा समझाता हूं। इस वाले तरीके को समझते हैं, मैंने यहां से ये वाली कंडीशन हटा दिया कि अगर इस लेवल पे ऑलरेडी नोड पड़ी हुई है तो अपडेट मत करो। ठीक है, ये कंडीशन मैंने यहां से हटा दिया। तो अब आपका सिर्फ ये वाला कोड है लिस्ट डॉट सेट लेवल रूट। देखते हैं कैसे काम करने वाला है फॉर राइट व्यू। यहां पर अगेन हम चलने वाले हैं राइट व्यू के लिए। पहले हमें मिला 4 जीरो लेवल पर, ये वाली कंडीशन हट चुकी है, लिस्ट डॉट सेट लेवल 0 पर हमने डाल दिया 4, तो 0 पर हमने डाल दिया 4। उसके बाद हमने लेफ्ट के लिए कॉल किया, लेफ्ट के लिए कॉल करते हैं, हमारा नंबर 1 इंडेक्स है, नंबर 1 इंडेक्स के लिए हमने लिस्ट और सेट लेवल 1 रूट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेवल 1 पर 7 को डाल दिया। उसके बाद लेफ्ट के लिए कॉल किया हमने, 7 का लेफ्ट नल है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, 7 का राइट भी नल है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद 4 का राइट है 1, 6। ठीक है, तो इस वाले के लिए आ गए हम, लेवल है 1 तो लेवल 1 है तो सेट कर दो लेवल 1 का रूट, तो सेट कर दो। तो लेवल 1 पे ऑलरेडी 7 था तो हमने सेट कर रहे हैं क्योंकि, तो ये अपडेट कर देगा इसको और यहाँ पर 6 हो जाएगा। देख रहे हो आप लोगों की वैल्यू अपडेट हो रही है इस केस में। तो जब वैल्यू आप ऐसे अपडेट करते चलोगे तो जो हमेशा लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो राइट व्यू ही रहने वाला है। ठीक है, अब हम इसके लिए लेफ्ट के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट तो नल है, राइट के लिए कॉल करते हैं, अगेन लेवल 1 एक इंक्रीज हो जाएगा और 2 पे हमारा डल जाएगा 2, फिर 6 लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे इसके, तो लेफ्ट पे है हमारा 5,
तो 3 के लिए हमारा हो जाएगा 5। उसके बाद इसके राइट के लिए कॉल करेंगे, राइट पे हमारा है 1। अब यहां पर 3 पे ऑलरेडी 5 पड़ा हुआ है, लेकिन हम यहां पर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, 3 लेवल के लिए। अब यहां पर 1 हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा 1। और उसके बाद ये लेफ्ट के लिए कॉल करेगा और लेवल नंबर 4 पे, लेवल नंबर 4 पे हो जाएगा 3, और फिर लेफ्ट और राइट नल है इसके। तो इस तरीके से यहां पर देख लो 46213, 46213 ये आप लोगों का राइट व्यू प्रिंट कर रहा है। तो दो तरीके से आप लोग अपडेट कर सकते हो, या तो इस कंडीशन को रहने दो लेकिन इन दोनों को ऊपर नीचे कर दो, या फिर इस कंडीशन को हटा दो और इसको लेफ्ट राइट ही रहने दो। तो इन दोनों तरीके से आप लोग का लेफ्ट व्यू और राइट व्यू आप लोगों को समझ आओ कैसे आपका प्रिंट हो रहा है। तो ये था आप लोगों का लेफ्ट व्यू और राइट व्यू। इसके बाद हम देख रहे होंगे टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो आप लोग सारे तरीके से इसके व्यूज देख चुके होंगे इसके बाद, ठीक है, वो होगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। बाय।